अब आइए सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। राम अयोध्या से जुड़े हैं, कृष्ण मथुरा से जुड़े हुए हैं, शंकर काशी विश्वनाथ से जुड़े हुए हैं। कौन से ऐसे स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर न हो? चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अंदर है, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर है, तीन तीन महत्वपूर्ण शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। बलरामपुर में देवीपाटन का मंदिर है, मिर्जापुर में विंध्याचल देवी का मंदिर है, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मंदिर है। दुनिया आज जिस योग के पीछे भाग रही है, योग का ये क्रियात्मक रूप, ये जो व्यवहारिक रूप है, यह महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी की देन है। महर्षि पतंजलि ने योग का दर्शन दिया, उसकी फिलॉसफी दी, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, उसका जो क्रियात्मक रूप है, उसका जो व्यवहारिक रूप है, वह गोरखनाथ। जितना भी योग के आसन है, जितने भी योग की क्रियाएं आप करते हैं, जितने भी प्राणायाम आप करते हैं, जितने भी ध्यान की क्रियाएं आप करते हैं, ये सब के सब उस क्रियात्मक योग से जुड़ी हुई है जो महायोगी गोरखनाथ जी ने, मत्स्येंद्रनाथ जी ने, उन नाथ पंथ के योगियों ने दी थी। आप गोरखपुर में देखेंगे सनातन हिंदू धर्म के जुड़ी हुई जितना भी प्रकाशन है, इतना बड़ा प्रकाशन, इतना सस्ता प्रकाशन गीता प्रेस के माध्यम से जो होता है, कहीं नहीं में आपको मिलेगा। आप अनुमान करेंगे 50 पैसे में गीता मिलेगी, अनुमान करेंगे 2 रुपए में आपको रामचरितमानस मिल जाएगी, सुंदरकांड की पुस्तक मिल जाएगी, क्या संभव है? लेकिन मिल रहा है। इतना बड़ा समृद्ध क्षेत्र होने के बाद तब भी हम लोग कहें कि साहब कुछ नहीं है, पर्यटन की दिशा में विकास करना पड़ेगा। और इसीलिए रामायण सर्किट को, कृष्णा सर्किट को, बौद्ध सर्किट को, भगवान बुद्ध की, यानी 5 महत्वपूर्ण स्थान तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, पहला जो उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में, सर्वाधिक चौमासा जहां उन्होंने व्यतीत किया था श्रावस्ती में, उनका एक एक स्तूप कौसाम्बी में, ऐसे महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण स्थान दुनिया के अंदर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, इतने महत्वपूर्ण स्थल कहीं नहीं है जितना उत्तर प्रदेश के अंदर है। और तब भी हम लोग उसमें अपने को माने कि हमारे पास कुछ नहीं है। आदि तीर्थंकरों की परंपरा में वगैरह जाएंगे, अयोध्या पहला तीर्थंकर की भूमि है। ऋषभ देव से जो परंपरा प्रारंभ हुई, अयोध्या से प्रारंभ होती है। अयोध्या के राजा थे, अयोध्या से चली हुई ये परंपरा। आखिर कौन सी ऐसी परंपरा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर ना हो? इसलिए बहुत संभावनाएं हैं उत्तर, और यही इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उड़ान योजना लागू की। हम लोगों ने कल ही भारत सरकार के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा से जेवर को हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास 10 एयर स्ट्रिप हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार से बेकार पड़ी हुई थी, हम लोगों ने उसको फिर से खुलवाने की तैयारी प्रारंभ की है। अयोध्या के पास फैजाबाद में, आजमगढ़ में, मुरादाबाद में, मेरठ में, ललितपुर में, झांसी में, और भी तमाम ऐसे स्थल हैं जहां पर इनको विकसित करने की तैयारी हो रही है। हम लोग चाहेंगे, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, कहीं पर हम पीपीपी बोर्ड में करेंगे, कहीं पर किसी अन्य योजना के अंतर्गत करेंगे, इनको विकसित करेंगे। अच्छी कनेक्टिविटी दी जा रही है, हम सड़क की भी अच्छी कनेक्टिविटी देंगे, रेल की देंगे, वायु सेवा की देंगे, और आने वाले समय में हम एक ज्वाइंट वेंचर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिससे हम उत्तर प्रदेश के अंदर इन सभी तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ सकें, वायु सेवा के साथ जोड़ सकें, हेलीकॉप्टर की सुविधा के साथ जोड़ सकें। ब्रिज क्षेत्र के विकास की दिशा से एक नई कार्य योजना हम लेकर के आए हैं, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और आसपास के बरसाना आदि क्षेत्रों को जोड़ सके आपस में, इसको जोड़ने की एक नई योजना लेकर के हम लोग आ रहे हैं। आपको प्राकृतिक सौंदर्य की दिशा से देखना हो, सोनभद्र,
कितना समृद्ध है हमने भुला दिया। बुंदेलखंड कितनी व्यापक संभावनाएं बुंदेलखंड में छुपी हुई है हमने भुला दिया। आगरा में कौन टूरिस्ट नहीं जाना चाहता है हमने क्यों भुला दिया। इसको ध्यान में रखकर के एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। पर्यटन विभाग इस पर तैयार करें, एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार की गोष्ठियों को, इस प्रकार के सेमिनार को और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है इतना भी पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक नहीं आता है। कुंभ को छोड़ दिया जाए तो नहीं आ पाता है। हम व्यवस्था दें, सुविधा दें, सुरक्षा भी दें, हर प्रकार से उस प्रकार का एक अनुकूल माहौल इसके लिए हम पैदा करने का प्रयास करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के अंदर है, कितना पवित्र स्थल है। हम लोगों को हमारी जो सेंचुरी है व्यापक संभावनाएं उनमें हैं। हम उनको भी कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे लोगों को उसके बारे में वो कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से तो मैं कहूंगा कि आपको विज्ञापन जारी करने चाहिए अभी से, सेंचुरी के लिए, तीर्थस्थलों के लिए, अन्य जो सुविधाएं हो सकती हैं। हम लोगों ने अभी एग्रीमेंट किया है भारत सरकार के साथ में, और कुंभ के पहले पहले हम लोगों का प्रयास होगा कि हुगली से लेकर के प्रयागराज तक हम लोग स्टीमर और शिप चलाएंगे, जिससे यात्री उससे आ जा सकें, नदी की उस पर्यटन का भी आनंद लेंगे। और मुझे लगता है कि जब कोई पानी के जहाज से या स्टीमर से लोग चलेंगे तो जाम की भी समस्या नहीं रहेगी। यदि तब तक हम लोग बहुत कुछ इलाहाबाद के लिए कर चुके होंगे, और इस दिशा में दिया जाना चाहिए कहां कौन सी संभावनाएं हैं। सोनभद्र का है, आपके पीलीभीत और आसपास का जो सेंचुरी है, इस सेंचुरी को भी हम लोग करें। बहुत अच्छी संभावनाएं इन क्षेत्रों में विकसित हो सकती हैं। साथ साथ इन तीर्थस्थलों को लेकर के, अन्य धार्मिक पर्यटन को लेकर के, सामान्य पर्यटकों को लेकर के भी ढेर सारी संभावनाओं को उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा सकता है। और मुझे विश्वास है कि आज की जो आज का जो सेमिनार है इस क्षेत्र में करेगा। मैं भी ओबराय जी से चर्चा कर रहा था, हम लोग प्रयागराज में पिछले दिनों थे, वहां पर मांग हो रही थी वहां एक अच्छा होटल चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लखनऊ में एक टूरिज्म सेमिनार को वो संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थलों की भरमार है और अब योगी सरकार ये प्रयास कर रही है कि इन तीर्थ स्थलों को हेलीकॉप्टर से जोड़ा जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।